हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो बार्बी ट्रेंड चल रहा था, मैंने सोचा बार्बी का जो मेकअप है वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले लगाया आपका कॉन्टैक्ट लेंस, जो कि मुझसे नहीं है, उसको मैंने स्किप कर दिया। फिर बाद में ना कंसीलर लगाया था जो अंडर आई एरिया में, लेकिन डेट में मुझे पता चला कि मेरे पास जो फाउंडेशन है वो है ही नहीं। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा कंसीलर अपना फेस में लगाया, क्योंकि मुझे ये वीडियो जैसे भी बनाना था। तो मैंने सोचा नहीं कोई बात नहीं, मैं कंसीलर से कर लेता हूँ। तो कंसीलर कर लिया गाइस, उसके बाद ना तो क्या होगा ना, बट मेकअप फ्लॉलेस लग रहा था गाइस, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद जो कंटूर है, कंटूरिंग किया, फिर आई मेकअप किया, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे पिंक शेड लगाया ताकि ये पिंकी पिंकी थोड़ा बार्बी वाइप मिले। उसके बाद थोड़ा ब्राउन शेड लेके उसको ब्लेंड कर दिया बढ़िया से। थोड़ा आपका चीक में ना मैंने पिंक ब्लश नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पिंक ब्लश इतना पसंद नहीं आया था ये लुक में। तो मैंने यहाँ पे जो कंटूरिंग पाउडर है ना वो लगा लिया। आफ्टर दैट मैं आई लाइनर ड्रॉ कर लिया एकदम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा पेंसिल लिप लाइनर है उससे मैं थोड़ा लोअर लैश लाइन में थोड़ा काजल का जैसा क्रिएट कर रहा था ताकि पिंक कलर थोड़ा दिखे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई किया मस्कारा, जो कि मेरे पास नहीं था। एंड देन आई एम अप्लाइंग सम लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैंने दो कलर कंबाइन करके लगाया, जो है ब्राउन और पिंक। ब्राउन जो है आपका कंटूरिंग स्टिक से मैंने लिया है, और जो लिपस्टिक है वो पिंक कलर का मेबेलिन का है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया एंड इट वाज लुकिंग सो परफेक्टली फाइन। लेकिन इसको मुझे ट्रांसफर प्रूफ करना था, सो फॉर दैट मैंने थोड़ा लूज पाउडर लगा लिया, 3 to 4 seconds के लिए रख दिया। एंड देन एकदम वाइप करके उसको रिमूव कर लिया, जो पाउडर है ना उसको रिमूव कर लिया। एंड गाइस एकदम ट्रांसफर प्रूफ हो गया था, बहुत बढ़िया लगा। जो ब्रश है उसे धीरे धीरे रिमूव करने से हो जाएगा। फिर जो हाइलाइटर है उसको भी लगा लेना है थोड़ा। मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स नहीं था गाइज। फाइनली ये लुक कंप्लीट हो गया एंड दिस इज माई फाइनल लुक गाइज। लेट मी नो वेदर यू लाइक इट नॉट। एंड गाइज आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।